नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी को ज़रूर दबाइए। दोस्तों, आजकल इंसान पैसों के लिए क्या कुछ नहीं करता है, पैसों के लिए अपनी जी जान लगा देता है ताकि उसके पास पैसा आए और वो औरों की तरह पैसों में खेले और अपने घर में बरकत बनी रहे। दोस्तों, आज हम आपको ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिससे आपके घर में बरकत बनी रहेगी। दोस्तों, नींबू और लौंग का ये उपाय आपको ज़रूर अपनाना चाहिए। इसे करने के बाद आपके चारों ओर पैसा आने लगेगा। दोस्तों, एक बार ये उपाय करें, फिर आप देखिए आपको चौंकाने वाले फ़ायदे देखने को मिलेंगे। आपके जीवन में कितनी खुशहाली आती है दोस्तों, फिर आप इसे तसल्ली से बैठ के सोचिए। इसे करने के लिए आपके पास एक नींबू और चार साबुत लौंग होने चाहिए। ध्यान रखिए, लौंग टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। दोस्तों, ये उपाय आपको जो है वो शाम के वक्त करना ज़रूरी है। दोस्तों, इस उपाय को करने से पहले नहा धोकर और स्वच्छ होकर ये उपाय करना चाहिए। दोस्तों, आप एक नींबू और चार लौंग लें और शाम के समय पूजा के समय हनुमान जी के आगे बैठ जाएं। दोस्तों, इस उपाय को आप शनिवार को कर सकते हैं और मंगलवार को भी कर सकते हैं। दोस्तों, आप हनुमान जी के आगे बैठें और नींबू के अंदर चार लौंग गाड़ दें। लौंग इस तरह से गाड़ें कि हर लौंग एक दूसरे के आमने सामने हो। जैसे एक साइड में लौंग लगाया, उसके ठीक विपरीत दूसरी दिशा में दूसरा लौंग आपको लगाना है। ये चार लौंग चारों दिशा में लगाने के बाद आपको लगाते वक्त ओम नमः हनुमन्ते, ओम हनुमन्ते नमः, इस मंत्र का जाप करते जाना है। ये करने के बाद उस नींबू को अपने पास रख लें। दोस्तों, देखिए आपके पास इतना पैसा आना शुरू होगा, आपका रुका हुआ पैसा आ जाएगा और आपके घर से सारी दरिद्रता मिट जाएगी। दोस्तों, इस नींबू को आप हर शनिवार, जैसे आपने शनिवार को ये उपाय किया है, तो अगले शनिवार को नींबू को बदलना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने मंगलवार को किया है तो आप इसको मंगलवार के दिन बदलें। लेकिन याद रहे दोस्तों, इस उपाय का आपको किसी के भी आगे जिक्र नहीं करना है, आपको किसी को भी बताना नहीं है। इस राज को राज ही बनाए रखना है जिससे आपके घर में बरकत बनी रहे। दोस्तों, इसे बताने से इस उपाय का असर जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।